मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार के वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सदन में बजट पेश किया। इस बजट में कोई पुरानी योजना बंद नहीं की गई है। इन योजनाओं के लिए सरकार जम के कर्ज लेगी। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बीच विपक्ष ने नरसिंह घोटाले को लेकर खूब हंगामा किया, जिस पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुझे कहते हुए कष्ट है कि आज सरकार का बजट है और विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। ये बेहद निंदनीय है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो कर्जा नहीं लेती हो। कर्ज लेना कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि कोई वर्ग वंचित नहीं रहे, कोई योजना बंद नहीं होगी, चाहे लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो। वहीं लाडली बहना की राशि 3000 करने के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारा 5 साल का संकल्प पत्र है, जो वादा किया है सब पूरे किए जाएंगे। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमें जनता के बीच ही जाना है। उन्होंने कहा कि जनता का बजट जनता को समर्पित किया है। अरे तो उनको क्या मालूम कि ठीक है कि नहीं है, उनने सुना नहीं। ये आचरण जो उनने किया, पहले तो उनसे सवाल करो कि इससे बड़ा कोई निंदा का काम नहीं हो सकता है कि जो बजट सुने ही नहीं और वो क्या बजट के बारे में बोलेंगे। तो मुझे तो लगता है कि उनको उनको थोड़ी शर्म करना चाहिए इस बात पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।